हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनाज आर्ट कॉर्नर। तो काफ़ी दिनों से मेरे घर में बहुत सारी सीढ़ियाँ थी और मैं सोच रही थी क्यों ना मैं आज इसी को इस्तेमाल करके कुछ नए DIYs आपके साथ शेयर करूं। तो बिना देरी किए हम अपने पहले DIY की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे पास सीढ़ी और DVD दोनों ही थी, तो पहले मैंने सीढ़ी के ऊपर एक कोट जैसो अप्लाई किया एंड इसके बाद सर्कल्स ड्रॉ कर लिए। तो फर्स्ट सर्कल को मैंने ब्लू की डार्कर शेड से कलर कर लिया एंड एक सर्कल छोड़ के मैंने दूसरे सर्कल को ब्लू में थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स करके उसकी लाइटर शेड मैंने यहाँ पे पेंट की है एंड दोनों के बीच के सर्कल को वाइट कलर से पेंट कर दिया है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर ब्लू एविल आई बना रही हूँ, आपको ये पता चल ही गया होगा। तो बीच के सर्कल को मैंने ब्लैक कलर से पेंट किया एंड ये यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे DVD ली थी और उसके ये दो पार्ट कर लिए एंड इसको मैंने इस तरीके से रख के इस पर मार्क कर दिया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका शेप आएगा, इसे हम इस तरीके से सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। कट हो जाने के बाद हमें यहाँ पे लीव का शेप यहाँ पे मिल जाएगा और इसी को हम रख के इस तरीके से और दो बार इसे कट कर लेंगे। तो टोटली हमें यहाँ पे लीव शेप के 3 पीसेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी एजेस को मैं इस तरीके से डिज़ाइन कर रही हूँ, तो इसे हम यहाँ पे कट करेंगे। तो ये एजेस पे मैं इसलिए कट लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे फेदर का लुक चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कट लगा दूँगी तो ये फेदर का लुक आ जाएगा। लीव्स का लुक देने के लिए भी आप इस तरीके से कट दे सकते हैं। नो के एजेस को कट लगा के हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर वाइट एक्रेलिक कलर से इस तरीके से पेंट करूँगी। फेदर का लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे इसके बॉर्डर को भी पेंट कर दिया है। एकदम लाइट और पतली सी लाइन आपको खींच देनी है एंड इसके बीच में भी आपको लाइंस बनानी है ताकि इसे फेदर का लुक आ जाए। अगर आप बिगनर हो तो इस तरीके की पतली लाइन निकालने के लिए आप 0, 00 या 000 के ब्रश का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो कंप्लीट हो जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो बाकी के दो भी हम इसी तरीके से पेंट कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे एक सुई ली है और इसे थोड़ा सा गर्म करके इसमें छेद कर दूँगी। बाकी के दोनों में भी इसी तरीके से मैं होल्स बना लूँगी। इसी तरीके से तीनों में होल्स बनाने के बाद हमने जो एविल आई बनाई थी उसी में भी हम इसी तरीके से होल्स बना लेंगे। नीचे 3 मैंने होल्स बनाए हैं और ऊपर 1 होल बना लूँगी। अब मैंने यहाँ पे एक थ्रेड ली है और उसे यहाँ पे इस तरीके से एक साइड से लेके दूसरी साइड से निकाल के मैंने दोनों को इक्वल रख के यहाँ पे एक नॉट लगा लिए एंड सिल्वर कलर की बीट डालने के बाद इसमें फेदर लगाया है एंड दैट्स इट। इसी तरीके से हमारा ये वॉल डेकोर रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पे भी DVD ही लिए एंड यहाँ पे मैंने लीव्स की शेप का पेपर कट कर लिया एंड इसको मैं यहाँ पे ऊपर रख के इस पर स्ट्रेस कर लूँगी। मैंने यहाँ पे 3 शेप की लीव्स कट कर लिए, एक बिग साइज़ एंड उससे मीडियम एंड स्मॉल साइज़। इस तरीके से हम 3 शेप में लीव्स के पेपर कट कर लेंगे एंड इसके ऊपर रख के हम इस तरीके से इस पे मार्क कर देंगे। तो पहले यहाँ पे बिग साइज़ के 2 और मीडियम साइज़ के 2 और स्मॉल साइज़ के 3 इस तरीके से हमें यहाँ पे शेप के लीव्स कट करने हैं। कट करने के बाद ये इस तरीके से दिखेगा। इसी तरीके से हम बाकी के भी कट कर लेंगे एंड ये टोटली 7 लीव्स कट हो चुके हैं। सीढ़ी के एक पार्ट में ये लीव्स निकल चुके हैं। अब दूसरे पार्ट में भी हम यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे भी मार्क कर दिए हैं, अब ये भी हम कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक थिक मेटल की वायर ली है एंड इसे हम इस तरीके से रखेंगे और इसके साइड से जो लीव्स की पीसेस हमने कट किए थे वो यहाँ पे रखेंगे। पहले स्मॉल वाले जो हमने 3 कट किए थे उसे हम रखेंगे, बाद में मीडियम वाले 2 और जो बिग थे वो यहाँ पे इस तरीके से लास्ट में लगा देंगे। तो यहाँ पे इसे स्टिक करने के लिए मैं ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई और ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे अच्छे तरीके से तीनों को एक साथ स्टिक करने के बाद इसे निकालेंगे और इसके जो पीछे की साइड है उसे भी मैं ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पे उसे स्टिक कर दूंगी ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। मैंने यहाँ पे और एक बना लिया है एंड इसे भी अच्छे तरीके से स्टिक कर लिया है।
आप चाहे तो इसे एज इट इज़ ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं एज ए डेकोरेशन के लिए, पर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे कलर कर दूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन में थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स करके यहाँ पे ग्रीन की लाइटर शेड क्रिएट की है एंड इससे मैं यहाँ पे इसे पेंट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट कुछ लीव्स मैंने ग्रीन की लाइटर शेड में पेंट की है और कुछ लीव्स मैंने ग्रीन में थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करके उसकी डार्कर शेड से पेंट कर दिया है। मैंने इसे एक साइड से ही पेंट किया है, आप चाहे तो इसे बैक साइड से भी पेंट कर सकते हैं। तो फटाफट से हम इसे पेंट कर लेते हैं। पेंट करने के बाद ये दोनों ही यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं फेविक्रिल का 3D कोन आउटलाइनर मेरे पास था, तो इसी की हेल्प से मैं यहाँ पे इसके ऊपर आउटलाइन बना रही हूँ। तो आपके पास अगर ब्लैक कलर का आउटलाइनर है तो बहुत ही अच्छा, पर मेरे पास फ़िलहाल नहीं था तो इसलिए मैंने जो मेरे पास था वाइट कलर का उसी का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पे आउटलाइन क्रिएट किए। बट बाद में मुझे ये कलर उस पर अच्छा और मतलब सूट नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक एक्रेलिक कलर से इसकी आउटलाइन यहाँ पे पेंट कर रही। अगर आपके पास इसी तरीके से ब्लैक कलर का आउटलाइनर नहीं है तो आप कोई और कलर का भी आउटलाइनर यहाँ पे यूज़ करके इसे ब्लैक कलर से पेंट कर सकते हैं। दोनों ही लीव्स रेडी हो चुकी है और अब हम इसका देखते हैं फाइनल लुक। पे मैंने अगेन एक पेपर पे फ्लावर के शेप का पेपर कट कर लिया है। तो हम लोटस फ्लावर का जो शेप बनाते हैं वही मैंने यहाँ पे उसी का शेप दिया है, बट उसकी पेटल्स ज़्यादा होती है। मैंने यहाँ पे 3 पेटल्स ही दिखाई है क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्यूलिप फ्लावर का शेप चाहिए था। तो अगर आप ट्यूलिप फ्लावर ऐसे सर्च करते हैं तो आपको इसकी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। बहुत ही पेशेंस के साथ आपको इसको कट करना है क्योंकि गलती से भी अच्छे तरीके से कट नहीं हुआ तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये कट हो जाने के बाद ऐसा दिखेगा। एंड अब मैं इसके जो नीचे का जो हम पॉट बनाएंगे तो वो मैं बेसिकली बना रही हूँ, तो उसका भी मैंने पेपर पर कट कर लिया एंड इस पर स्ट्रेस कर लिया। इसके बाद मैं इसको कट कर रही हूँ, तो इसे भी हम अच्छी तरीके से कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा एंड इसके हमें 4 पीसेस चाहिए। एंड सेम साइज़ के 4 पीसेस कट करने के बाद ग्लू गन की हेल्प से मैं इसे आपस में स्टिक कर दूंगी। तो ये प्रोसेस आपको बहुत ही फास्ट करनी पड़ेगी, और अगर आपके पास कोई और ग्लू है तो आप इसे और ग्लू से भी यहाँ पर स्टिक कर सकते हैं। मुझे ग्लू गन ज़्यादा अच्छी लगी इसे स्टिक करने के लिए, इसलिए मैंने ग्लू गन का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। तो अंदर से बाहर से सभी जगहों से मैंने ग्लू गन की हेल्प से उसे स्टिक कर दिया। तो 4 पीसेस एक दूसरे के साथ स्टिक करने के बाद जो नीचे का पार्ट रह गया था वो स्क्वायर मैंने यहाँ पे उस मेजरमेंट से इसे कट कर लिया एंड उसे भी स्टिक कर दिया। इसके बाद मैंने एक टूथपिक लिए एंड उसे भी ग्लू गन की हेल्प से जो ट्यूलिप फ्लावर का शेप कट कर लिया था उसे मैंने यहाँ पे इसे स्टिक कर दिया एंड इसके बाद इस पर हमने स्टिक कर दिया। तो मैंने लीव्स भी कट कर ली थी, उसे भी मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिया है। अब मैंने जो फेविक्रिल का 3D आउटलाइनर यूज़ किया था पहले DIY में उसी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो अगेन मैंने यहाँ पे वाइट कलर का ही यूज़ किया है क्योंकि ब्लैक कलर का आउटलाइनर मेरे पास नहीं था, तो यहाँ पे भी मैंने वाइट कलर का ही यूज़ किया है। आप पर ब्लैक कलर का ही आउटलाइनर यहाँ पे यूज़ कीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। मैंने भी मंगाया है पर अभी तक आया नहीं, और मुझे ये वीडियो जल्द से जल्द आपसे शेयर करनी थी तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वाइट कलर के 3D आउटलाइनर का यूज़ करके उसे पेंट कर दूं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, आप ब्लैक कलर का 3D आउटलाइनर लीजिए ताकि आपकी ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होगी। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा इस प्रोसेस को, तो आपका टाइम बचेगा अगर आप ब्लैक कलर का ही आउटलाइनर यूज़ करते हैं। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने इसे पेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे भी एक्रेलिक कलर से ही इसे पेंट किया है एंड इसे मैंने पिंक कलर से पेंट किया है एंड ग्रीन में थोड़ा सा वाइट करके उसकी लाइटर शेड मैंने यहाँ पे इसकी लीव्स को दे दिए हैं। और यहाँ पे मैंने येलो में थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स करके इसकी ये शेड क्रिएट की है एंड इसे भी मैंने यहाँ पे इसे पेंट कर दिया है। तो ये आइडिया मुझे इस फ़ोटो से मिली, ये मैंने एक्चुअली पिंटरेस्ट पे देखी थी
एंड ये ग्लास से बना हुआ है, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे सीढ़ी से बनाऊं। एंड मुझे पहले पता नहीं था कि ये इतना अच्छा होगा, मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सीढ़ी से बना हुआ है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और क्यूट लग रहा है। मैं एक्चुअली ये अपने मॉम को गिफ्ट करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा लग रहा है और मैं कुछ हाथों से अपने बनाकर अपने मॉम को गिफ्ट करना चाहती थी। तो आप भी ऐसे ही अपने फ्रेंड्स को या किसी और को आप इस तरीके से हैंडमेड चीज़ें गिफ्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका फेवरेट DIY कौन सा था मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।